अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, मैं जो ना खारघर में पहुंच चुका हूं और डिवाइस जो है ना वो अपना ऑनलाइन कर दिया। और टाइम देखो आप लोग, और ये देखो खारघर की लोकेशन। ठीक है, अभी जो मैं ना खारघर में पहुंच गया हूं और डिवाइस ऑनलाइन कर दिया है, और लगभग 5 मिनट मुझे हो भी गई है, 7:30 बज चुके हैं, कोई बुकिंग नहीं आई है। और CNG जो है ना भराने गया था मैं तलोजा MIDC में, मैंने CNG भरा के, अब कलम बोली जाता हूँ ना, वैसे वहाँ से कलम बोली एकदम बाजू में ही है, 2 से 2.5 किलोमीटर, और यहाँ 4 किलोमीटर आना पड़ता है। लेकिन क्या है, कलम बोली में बुकिंग नहीं आती है, लेकिन आज तो यहाँ पे भी नहीं आई। ऐसा है, नहीं तो अब तक आ जाना चाहिए थी, क्योंकि टाइम जो है ना जाम लगने का वो बहुत करीब हो गया है। लास्ट टाइम चल रहा है 7:30, मतलब 7:30 बजे जो पिकअप करके निकल जाता है ना, और 8 बजे वाशी टोल पर आप पहुँच गए, तो समझो आपको जाम यहाँ से नवी मुंबई से फोर्ट जाने में या मुंबई जाने में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 8 बजे पिकअप करते हैं, 7:30 के बाद 8:15 बजे, तो जैसे ही जैसे टाइम बढ़ते जाता है ना, वैसे वैसे रश बढ़ते जाता है। लेकिन अभी अपने को कोई बुकिंग जो है ना गाइज वो नहीं आई है। बुकिंग का करता हूँ वेट, और आज जुमेरात का दिन है और कल फ्राइडे जुम्मा, जुमे को रहती है मेरी छुट्टी, आप लोगों को पता ही है, ऑलरेडी बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पता है ना इंसानी फितरत, तो मेहनत कितनी करेंगे आज वो तो पता नहीं, कल तो ख़तरनाक मेहनत हो गई और अर्निंग भी ज़बरदस्त हो गई, 4,500 की अर्निंग हुई थी। और रात में लगभग मैं गया हूँ गाइस 11:30-12 बजे घर पे, 11:30-12 बजे घर पे गया हूँ। लगभग 17 घंटे की मैंने ड्यूटी लगाई है और गाड़ी चलाई है कुल 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर में 4,500 अर्निंग का मतलब बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। लेकिन दिन में, अच्छा ड्यूटी तो ये अपनी लंबी हो रही है, लेकिन दिन में जो है ना वो आराम ही है। ठीक है, दिन में आराम रहता है थोड़ा, तो इसके लिए सोचते कि यार कोई बात नहीं, घर पर आराम करने की बजाय हमने जो है ना गाड़ी में आराम किया। तो अब जब काम नहीं है, काम स्लो है, मतलब बिजनेस ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो लंबी ड्यूटी कर लेते हैं, ऐसा कुछ इरादा हमने बनाया है। क्योंकि अब मकसद जो है ना वो हमारा वो पूरा लंबी ड्यूटी करके ही हो रहा है अभी के टाइम पे, और पहले कम ड्यूटी में हो जाता था। लेकिन अभी 1 महीना तो अपने को ऐसे ही झेलना पड़ेगा, तो वीक में तो एक छुट्टी रखते ही है, तो इसके लिए फिर सोचा कि कोई बात नहीं, लंबी ड्यूटी भी कर लेना चाहिए। घर पर तो हमेशा अपन बैठते ही हैं, क्योंकि गाड़ी का EMI और सारी चीज़ें रहती है, ये निकालना रहता है, तो इसके लिए ठीक है। अभी ये तो कोई बुकिंग नहीं आई है, जैसी आएगी आपको बताऊंगा वहाँ पहुँचने के बाद, और दिन भर की अपडेट देते रहेंगे आपको। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि वीडियो फटाफट मिले। देखो गाड़ी में, देखो मच्छर, ये दिख रहा है आपको मच्छर, ये पहलवान घूम रहा है इधर, पहलवान भाई कब से बैठा बैठा। देखो 9 बज चुके हैं और 9 बजे मुझे बुकिंग आई है, मतलब गो में आ रही थी लेकिन मैंने गो में नहीं लिया। 8 बजे से मैंने फिर उबर प्रीमियर जो है ना वो ऑन किया था, क्योंकि गाइस क्या मतलब है, जब एक बार 8 बज गए जाम में फंस नहीं है। अच्छा ये देखो ये किधर किधर का दे रहा है नगर, बुकिंग उबर में, ठीक है उबर में जो है ना वो पिकअप ले लिया है मैंने, काला घोड़ा फोर्ट का है और 7:38 दिखा रहा था उसमें। अब वहाँ पे जाके मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना, लगभग 700 रुपये कुछ मिलेंगे, अब जो भी मिलेंगे ठीक है। प्रीमियर में लिया है मैंने ये बुकिंग, तो फिर मुझे CC में नहीं डाला क्या? मैंने नहीं देखा कोई मेल, मैंने बोला देखता हूँ। तो गाइज ये है ना, देखो मेरा लगा हुआ है गो टू होम, ये गो टू होम जो है ना मैंने लगाया हुआ है खारघर का, और बुकिंग जो है ना, मतलब मैंने लगाया परेल से, एक ही बुकिंग मेरी वहाँ पे कंप्लीट हुई थी, फिर वहाँ बैठे बैठे मुझे फोर्ट में कोई बुकिंग नहीं आई, तो फाइनली मैंने ना, तो फिर मैंने गो टू होम लगाया परेल में जाने के बाद, ठीक है। तो वहाँ से मेरे को बुकिंग दिया थाने में बैठा हूँ अभी आधे घंटे से, यहाँ से भी कोई बुकिंग नहीं आ रही है। 2 बजने वाले हैं, देखो 154, मतलब 2 बजने वाले, 5-6 मिनट कम है, ठीक है। अभी है ना यहाँ से कर रहा हूँ वेट, कोई नवी मुंबई की बुकिंग मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। 3:30 बजे की सीवुड से थाने की बुकिंग है मेरे पास, रिजर्वेशन में पड़ी है। अभी अगर 10-15 मिनट में नहीं आएगी नवी मुंबई की बुकिंग, तो मैं मारूंगा कैंसिल दोनों, मतलब गो टू होम भी हटाऊंगा और फिर वहाँ से जो रिजर्वेशन लिया उसको भी कैंसिल कर दूंगा, नहीं तो अपने को फिर
टाइम खराब करके कोई मतलब नहीं है, ज्यादा वेट करके कोई मतलब नहीं है। अगर बुकिंग देता है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल मार देंगे और फिर देखेंगे कोई अच्छी सी बुकिंग। अर्निंग जो कोई खास नहीं हुई है, देखो 1048 रुपया बना है सुबह 7 बजे से लेके अभी 2 बजे तक। कोई बात नहीं खाई, कल भी कुछ ऐसी ही कंडीशन थी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन शाम तक रात तक काम अच्छा हो गया था। तो आज भी अच्छी अर्निंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल फ्राइडे छुट्टी, तो घर पे जाने का इतना टेंशन नहीं है। जैसे भी होएगा निकल जाएंगे घर पे भी, मतलब लेट से लेट भी चले जाएंगे, क्योंकि सुबह उठने का टेंशन नहीं है। तो मैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद अपडेट देता हूँ, कहाँ की बुकिंग आती है, क्या होता है बताता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, बेल आइकन दबाओ। तो गाइज अभी है ना, मैं इस वक्त हूँ, देखो बुकिंग आई हुई है मेरे को, और टाइम जो है ना वो हो गया 6:15 बज गया, और मैं अभी जो है ना सानपाड़ा में हूँ, और ये बुकिंग मुझे प्रीमियर में आई है, छेड़ा नगर, ACC नगर, छेड़ा नगर इंडियन ऑयल जो नगर है ना वहाँ पे, तो वहाँ की बुकिंग आई है। आया हूँ मैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए, अब मैसेज तो डाल दिया लेकिन कस्टमर तो आया ही नहीं, लेकिन ठीक है आ जाएंगे, कोई बात नहीं गाइस। और मैं आपको बताता हूँ, अर्निंग जो है ना अभी वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन घर पे जाने के टेंशन नहीं है, इसके लिए लेट नाइट तक काम करने वाला। अभी देखो ये ना बुकिंग यहाँ से है शायद, तो बंदा अंदर खा पी रहा होगा या ऑफिस में होगा, जैसा भी है अभी पता नहीं कुछ, और कुछ थोड़े सा रहेगा इन्फॉर्मेशन, वो मैं आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद दूंगा। अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, वो भी आपको बताऊंगा कितनी हुई है छेड़ा नगर पहुँचने के बाद, मतलब बॉम्बे रिटर्न, क्योंकि यहाँ से बुकिंग मिल गई है, ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मुझे लग रहा नहीं कि शाम के टाइम नवी मुंबई से बुकिंग बॉम्बे की मिलनी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो अभी जो है ना लेके निकलते हैं इनको, और मैं बताता हूँ आपको वहाँ पहुँचने के बाद कितनी अर्निंग और क्या क्या अपन ने किया है। देखो गाइस हालत ऐसी हो गई है, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। सिर्फ 2509 रुपए की अर्निंग अपनी जो है ना अभी तक हुई है, और हालत क्या बताऊँ आपको, ना काम हुआ है ना घर पहुँच पाए हैं, और टाइम 7:15, और मैं अभी मेरे को ड्रॉप किया, और ड्रॉप करने के बाद सीधा चले आया खारघर खाना खाने के लिए। आज एक्चुअली नसीम ने जो गाड़ी लिया है ना, उसकी भी डिटेल में आगे की बताऊंगा, उसने कौन सी गाड़ी लिया, कितने में लिया और किससे लिया, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी उससे फ़िलहाल हम लोग ने पार्टी ले ली है मैंने, तो उसने मुझे जो है ना खाना वाना खिलाया, और खाना खाने के बाद जो है ना मतलब अभी मैं यहाँ पे अपने इधर पहुँचा हूँ। तो देखो टाइम, तो गाइज ये ना सुबह के 10 बज रहे हैं, पता है आपको सुबह के बज रहे हैं 10, और मैं अभी जो है ना मतलब गाड़ी ही साफ़ कर रहा हूँ। एक्चुअली रात में आया 12:30 बजे होटल पे से खाना खा के फ्रेंड के साथ में, और फिर है ना अरे बाप रे गाड़ी स्टार्ट किया, AC चालू किया लेकिन बटन नहीं दबाया। तो गाइज है ना मतलब देखो आयजा भी है, आयजा हाय बोलो बेटा, हाय हाय हाय। तो देखो ये आयजा भी सुबह से चिपकी हुई है मेरे साथ में मतलब, और मैंने अभी गाड़ी ना साइड में पूरी गाड़ी इंजन टायर ये वो पूरी एकदम क्लीन कर दिया, गाड़ी देखो मैंने चमका दिया पॉलिश वॉलिश मार के। नसीम भी साथ में है, ये भी लगा हुआ है अपनी गाड़ी साफ़ करने को ये वाली, और ये भी भाई लगा हुआ है इसका खाला का लड़का, और मैं भी इधर मतलब सुबह उठ गए हम लोग 8 बजे, और रात में 1:30 बज गया था सोने में, 12:30 बजे हम लोग रेस्टोरेंट पे से आए और 1 बज गया सोने में। ठीक है, तो है ना फिर वहाँ से सीधा अभी सुबह उठे 8 बजे और गाड़ी साफ़ किया अभी पूरा, अभी जा रहा हूँ घर पर, और जाके नाश्ता करता हूँ, एडिट करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, और है ना गाइज मतलब फिर कुछ बाहर निकलेंगे, कुछ लेके आना है, कुछ खरीद के लाना है घर के लिए सामान, खाना पीना बनाने का। आज जो मैं छुट्टी है आज तो फुल मौज मस्ती है। ठीक है, और अपनी जो अर्निंग हुई थी ना कल वो 2909 रुपये की अर्निंग हुई है, पैसा कल नहीं बन पाया, बहुत मेहनत किया और बहुत कोशिश किया लेकिन कल पैसा जो है ना वो नहीं बन पाया। अब नहीं बन पाया इसका मतलब रोज़ नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, बनेगा, डरने का नहीं, सोचने का नहीं। ठीक है, तो कैसा लगा काम से काम करने का तरीका, और आपको कुछ सीखने को मिलाएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि वीडियो आपको लोगों को फटाफट मिल जाए। अच्छा एक चीज़ जो मैंने बीच में आपको बताया, उस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी के भी चक्कर में नहीं आना, अर्निंग जो है ना वो ज़्यादा ही बनाना है, अर्निंग आपको वो ज़्यादा ही से ज़्यादा बनाना है, इस बात के चक्कर में नहीं पड़ने का कि नहीं आपकी ज़िंदगी तो अच्छी गुजर रही है, अच्छा है, ये लोगों की बातों में आने का नहीं, खुद ये लोग माल बनाते हैं और हमको माल बनाने के लिए बोलते हैं कि नहीं सही है आपका, बढ़िया चल रहा है, ठीक है ये हाल फिलहाल के लिए ठीक है अच्छा चल रहा है, लेकिन हमको जो है ना माइंड को ऐसा बढ़ाते रहना, अपने दायरे को बढ़ाते रहना है। जब आप लोग अपने दायरे को बढ़ाते रहेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे चीज़ों को। तो ठीक है, मैं आप लोगों से बाद में मिलता हूँ। अच्छा ये हमारा नसीम भाई है, तो इससे मैं जो है ना देखो अभी गाड़ी वाड़ी धो के आया ये भी, तो
इसके बारे में मैं रिव्यू आपको बताऊंगा एक दिन वीडियो में कि इसने कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से आया, कैसे स्टार्ट किया और आज कितनी गाड़ी है, क्या है इसके पास। ये मेरा फ्रेंड है कम से कम 10 साल से, ठीक है। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे ग्रोथ किया, क्योंकि आप लोग बहुत लोग बोलते हैं कि हमको 10 साल उबर चलाया, ओला चलाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो कैसे हासिल नहीं हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में अपन एक दिन बात करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।